अगर मैं गुनेगार हूं तो ये भी कोई सच्चाई की देवी नहीं है। इसे भी पैसे का लालच था, इसलिए यहाँ आई थी ये। प्रियंका, अब ये कौन सी नई कहानी गढ़ रही हो प्रियंका? हाँ मम्मी जी, ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। करण, मेरी बात का यकीन करो। आबा आबा यहाँ इसी घर में है, स्वर्ण भवन में है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लो। पागल हो गई? एक मिनट करण, रुक जाओ। इसे भी तसल्ली करने दो। आइए मेरे साथ, आबा इधर ही है। आबा 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 कहाँ चली गई? आबा आबा वो यही थी, मेरी बात का यकीन कीजिए, यही कही होगी। बस कीजिए भाभी। और कितने झूठ, कितनी कहानी। स्वर्ण भवन हासिल नहीं कर पाई तो हमारा अस्तित्व ही मिटाने चाहिए। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आभा हम हैं, इस घर की बहू आभा करण प्रसाद। हो गया तुम्हारा नाटक, हो गया या और कुछ बाकी है? नहीं, आभा आभा यही कही है घर में, मैं उसे ढूंढती हूँ। आभा 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 जिंदा है? यूँ क्या हो सके? अरे मैं अपनी आंखों से देखी थी उसकी लाश। फिर बावली लागे है, पोल खुलने के कारण बावली हो गई है सारी। तुम्हें ना स्टोरी राइटर होना चाहिए। क्या नाटक लिखा है आपने लिए? ये नाटक नहीं है शैली भाभी, आभा मर चुकी है और ये आभा की हम शक्ल है। आभा की आत्मा जरूर इस घर में कहीं भटक रही है। और तुम्हें कैसे पता कि आभा मर चुकी है? क्योंकि मैंने खुद खुद क्या? अरे बोलिए ना भाभी, आप चुप क्यों हैं? खुद क्या? मैं अभी तेरी सच्चाई सबके सामने लाती हूँ। अभी तेरे रिश्तेदारों को फोन करके तेरी असलियत सबके सामने लाती हूँ। दो टके की नौटंकी वाली मुझसे तो बेइज्जती किए जा रही है। मुझे कुछ भी कहेगी चलेगा, परिवार वालों पर लांछन मत लगाओ। बातें करके कोई फायदा नहीं, निकल जाओ इस घर से। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस घर को वारिस दिया है। हाँ तुमने इस घर को वारिस जरूर दिया है, लेकिन उस वारिस को तुम अच्छे संस्कार कभी नहीं दे पाओगी। निकल जाओ उस घर से। बुरी सोच और बुरी नीयत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। सही कहा तुमने, और यही बात तुम पर भी लागू होती है। अगर मैं यहां से जाऊंगी तो मैं अपने बेटे निशांत को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सवाल ही नहीं उठता, निशांत कहीं नहीं जाएगा। बिल्ली छोड़ो मेरे बच्चे, छोड़ो। आप बच्चे को ऐसे कैसे छीन सकती है? निशांत कहीं नहीं जाएगा। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम, और वो भी बिल्कुल अकेले। ठीक है, मैं यहां से जा रही हूं, और मैं तब तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखूंगी जब तक मैं इसका सच सबके सामने नहीं लाती हूं। एक बात फिर से कह रही हूं अल्बेली, आभा होने में और आभा बनने में बहुत फर्क है, और तुम कभी आभा नहीं बन सकते, समझे तुम? आज तक आभा यही मानती आई है कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, और आज उसने प्रियंका भाभी को माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया।